परिषद मैदान में, तिरंगे के सम्मान में, विद्यार्थी परिषद मैदान में, तिरंगे का अपमान, तिरंगे के सम्मान में, विद्यार्थी परिषद मैदान में, तिरंगे के सम्मान में, विद्यार्थी परिषद मैदान में, तिरंगे का नहीं सहेगा हिंदुस्तान, तिरंगे का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। माता की जय, माता की जय, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू महानगर छात्र प्रमुख, जैसे कि आप जानते ही हैं 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस वाले दिन जो घटना दिल्ली में हुई, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कड़े शब्दों में निंदा करती है एवं उसके वो जो घटना की है वो कड़े शब्दों में उसकी निंदा की जाती है, क्योंकि वह इतनी शर्मसार हरकत की गई, पूरा हिंदुस्तान उसे शर्मसार है। और आपके माध्यम से एक आग्रह रहेगा कि जिन देश विरोधियों ने हमारे झंडे का अपमान किया है उन्हें सख्त से सख्त उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए। धन्यवाद। जम्मू महानगर SFD इंचार्ज, हम आज यहाँ जो प्रोटेस्ट हो रहा है, हमारा प्रोटेस्ट आज इसलिए है कि यहाँ पे जो लाल किले में जो हमारे यहाँ पे झंडे का अपमान किया गया है, उसके लिए उस किसानों के लिए कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए उनको, और उसके लिए उसका अपमान करना बहुत बुरी चीज है। तो आज से हम यही कहेंगे कि उसका अपमान ना करें, उसकी मतलब उसके लिए सोचे कि हमारी भारत माता का झंडा है, हमें इसकी वैल्यू को समझना चाहिए। धन्यवाद। नमस्ते, मुकेश मनास, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जम्मू कश्मीर प्रांत मंत्री। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा यह प्रदर्शन इसलिए किया जा रहा है, जिस प्रकार से पिछले 62 दिनों से दिल्ली के अंदर जो है फार्मर के नाम पर प्रोटेस्ट किया जाता है, और 26 जनवरी को जब देश के अंदर रिपब्लिक डे पूरे देश भर के अंदर मनाया जाता है, तो वहीं जो सो कॉल्ड फार्मर लोग हैं वो वहां पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन करते हैं। वो ट्रैक्टर रैली नहीं है, बेसिकली वो देश को तोड़ने की बात करते हैं। उसी दिन वो झंडे का, भारत के झंडे का अपमान करते हैं, और रेड फोर्ट जो देश के लिए एक बहुत बड़ी स्थान है वहां पर झंडे का अपमान करते हैं। तो इस प्रकार की घटनाएं देश के अंदर बहुत लंबे समय से हो रही है, चाहे वो JNU के अंदर घटना हो जहां झंडे का अपमान, भारत के झंडे का अपमान किया गया, वो वामपंथी लोग, वो सेपरेटिस्ट लोग, वो खालिस्तानी लोग जो देश की अखंडता को तोड़ने का काम लगातार कर रहे हैं। और भारत की सरकार को चाहिए, विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि उन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए, और देश के अंदर इस प्रकार के लोग जहां पे भी हो उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भारत का युवा, जम्मू कश्मीर का युवा आज जाग उठा है, और इस प्रकार की घटनाओं को वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। माता की जय, भारत माता की जय, तिरंगे के सम्मान में, विद्यार्थी परिषद मैदान में, तिरंगे के सम्मान में, विद्यार्थी परिषद मैदान में, तिरंगे के सम्मान में, विद्यार्थी परिषद मैदान में।